नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और अन्य सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर टॉपिक वाइज करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक देखा था, जिसके अंतर्गत हमने भारत और विश्व में प्रथम वाला टॉपिक देखा था। यदि वो पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर वाला था। आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट या सूचकांक 2022 से लेकर 24 तक जितनी भी है। यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, वो जुलाई 2023 से 1 जून 2024 तक की देख रहे हैं। मतलब अगर इसके बाद कोई अपडेट होता है तो एक दो रैंकिंग बदल सकती है, बाकी इतना याद कर लेंगे तो पेपर भर के लिए काफी होगा। स्टार्ट करते हैं पहली रैंकिंग से, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। कौन जारी करता है इसको? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। हम थोड़ा सा जूम लेवल पर कर देते हैं ताकि दिखाई दे आपको। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। सम्मिलित इसमें देश टोटल 119 थे, जिसमें से पहले नंबर पर जो है वो अमेरिका रहा है और भारत की रैंकिंग इसमें 39वां जो है वो रैंकिंग आई है। जहां 2021 में देखेंगे तो 54 रैंकिंग थी। आपको जो मेन फोकस करना है वो केवल शीर्ष देश और भारत की रैंकिंग पर करना है। और बहुत ही रेयर केस है जहां पर जारी करता है संस्था का नाम या संगठन का नाम पूछा जाए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस जो है उसकी तरफ से जारी होता है। सम्मिलित देश इसमें देखेंगे तो 180 थे, पहले नंबर पे इसमें नॉर्वे आया है और 159 भारत की रैंकिंग रही है। अब थोड़ा सा अगर डिटेल में पूछ लिया गया तो स्कोर भी पूछा जा सकता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्कोर रहा है 31.28 और रैंकिंग रही है 159। अगली है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो टोटल 100 यहाँ पर सम्मिलित देश थे, जिसमें से रूस पहले नंबर पर आया साइबर क्राइम में और भारत की रैंकिंग इसमें 10वें नंबर पर जो है वो आई है, साइबर क्राइम में 10वें नंबर पे। अगला आपका है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। ये आपका हुरुन के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है और इसमें अगर देखेंगे तो टोटल पहले नंबर पर आपको अमेरिका देखने को मिलेगा और भारत इसमें 3रे नंबर पर जो है वो है। बड़ी अचीवमेंट है, सोचिए 3रे नंबर पर भारत है इसमें। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जानते हैं ना, जैसे वेल्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है तो यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है, तो भारत में उसकी संख्या ज्यादा है तो इसीलिए 3रे नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल 193 देशों में से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे आया है और भारत की रैंकिंग इसमें 134 जो है वो रही है। स्कोर भारत का कितना है? 0.644 भारत का स्कोर रहा है। अच्छा, इस चीज को भी समझिएगा, अगर कोई रैंकिंग में दूसरा तीसरा नंबर पे कौन रहा है वो आपको देखना है तो उसको अलग से सर्च कर सकते हैं। वैसे तो पहला ही पूछा जाता है मोस्टली, पर चाहे तो दूसरा तीसरा भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारा था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। ये जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, और इसमें 143 टोटल कंट्री में से फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पे आया है। देखिए, खुशहाली फन से संबंधित होती है, फन से फिनलैंड याद रख सकते हैं। और भारत की रैंकिंग 126 नंबर पे है 2023 में देखेंगे थे तो भी 126 ही थी, तो ये चीज अच्छी है। कहीं ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से कौन सी जो रिपोर्ट है जिसमें भारत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है, तो आप क्या कहेंगे? विश्व खुशहाली रिपोर्ट आपका सही हो जाएगा। अगला, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर टोटल 193 कंट्री में से फिनलैंड यहाँ पर भी पहले नंबर पे है और भारत की रैंकिंग इसमें 108 नंबर देखने को मिली है और स्कोर भारत का 0.437 देखने को मिला है। अगला आपका है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इसको जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US और इसमें अगर देखेंगे तो टोटल 55 कंट्रीज में से अमेरिका पहले नंबर पे है और 42 नंबर पर भारत है और 2023 में भी 42 नंबर पर ही था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 42 पहले भी था और अभी भी 42 है, तो इसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब देखिए, भ्रष्टाचार में क्या बेसिकली होता ही है, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए तो वो नहीं होती है, तो वही भ्रष्टाचार होता है, तो ये तो याद करने में दिक्कत होगी नहीं आपको।
अब भ्रष्टाचार में टोटल 180 कंट्री में से डेनमार्क आपका जो है वो आपका पहले नंबर पे। डेन मतलब क्या होता है? डेन मतलब होता है कोई जंगली जानवर वगैरह ना अपनी गुफा बना करके रहता है, तो उसमें वो छुप कर रहता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो बात किसकी हो रही है, भ्रष्टाचार की हो रही है। तो भ्रष्टाचार जो करता है वो छुप के रहता है, तो डेनमार्क ध्यान रख सकते हैं उसे जोड़ करके कि पहले नंबर पे है। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 93वां है और 2022 में 85वां नंबर पर थी। तो 93 और 2023 वाली ये अभी तक आई हुई है, क्योंकि 2022 का यहाँ दिया गया और जो यहाँ पर दिया गया वो 2023 की ही दी गई है। अगला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया जाता है और 145 टोटल कंट्रीज में अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है और भारत चौथे नंबर पर है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ कुछ हैं जो हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, उनको आप देखेंगे तो हर बार कहीं ना कहीं किसी ना प्रैक्टिस सेट में किसी पेपर में आपको देखने को मिलते ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स जिसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। और इसमें अगर देखेंगे तो टोटल 199 कंट्रीज हैं जिसमें से फ्रांस आपका जो है वो पहले नंबर पर है। पासपोर्ट बनवाने जाएं और वहां पर आपको बहुत समय लग जाए, कोई फंसा ले आपको कि ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, तो इस तरीके से कई बार फर्जी पासपोर्ट भी बन जाते हैं ना, तो पासपोर्ट में फंसा से फ्रांस याद रख सकते हैं पहले नंबर पे है। और भारत की रैंकिंग जो है इसमें 85 नंबर पे रही है और 2023 में देखेंगे तो 84 नंबर पे रही है। अच्छा, 2023 की याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने देखा था जो TRE3 वाला पेपर जो कैंसिल हो गया था, उसमें आपका 2023 की ही रैंकिंग पूछ ली गई थी, 2024 की नहीं पूछी गई थी। कई बार पिछली कंपैरिजन करके भी याद करने में आसानी रहती कि पिछली बार इतना था अब इतना बढ़ गया है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका वीडियो, सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, कोशिश हम कर रहे हैं कि सारी चीजें आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो के तौर पर करा सकें ताकि करंट अफेयर भी आपकी कवर हो सके। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और यहाँ पर जो हाईलाइट कर रहे हैं PDF के लिए, उसका लाइक का टारगेट 500 लाइक का ही रख रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से लाइक कंप्लीट करने का। आगे कंटिन्यू करते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, ये जारी करता है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। जिसमें अगर देखेंगे तो 63 टोटल कंट्रीज में प्लस EU भी लिखा है, जिसमें डेनमार्क पहले नंबर पे है, डेनमार्क चौथा लिखा हुआ है और 7वें नंबर पर यहाँ पर भारत की रैंकिंग है 2023 में 8वें नंबर पर जो है वो थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बाद है आपका विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, जो कि प्रबंधन विकास संस्थान IMD की तरफ से जारी की जाती है और अमेरिका पहले नंबर पे है 64 कंट्रीज में से, और भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 49वें नंबर पे है। तो मतलब काफी पीछे है जब बात होगी प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल रैंकिंग को लेकर। अगला है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, इसको जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। और इसकी अगर बात करते हैं तो 47 टोटल कंट्रीज में से नीदरलैंड जो है वो पहले नंबर पे है और भारत की रैंकिंग देखेंगे तो आपका 45 नंबर पर देखने को आपको जो है वो मिलेगी। तो पेंशन देखिए टोटल 47 कंट्रीज में से 45, खुद ही समझ सकते हैं कि कितना आखिरी में है, 2022 में 41 नंबर पे थी। तो पेंशन वगैरह वैसे भी देख रहे हैं बंदी कर दी गई है, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक, एक ऊपर आया था वो अलग था, तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जो है वो आपका वल्गु वल्गु वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन संस्था है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 125 कंट्री में बेलारूस पहले नंबर पर, 111 111 भारत की रैंकिंग है, 2022 में 107 नंबर पे रही थी। तो ये है आपकी इस रैंकिंग वैश्विक भूख सूचकांक। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, जो कि बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 132 टोटल कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है और आपका 40 नंबर पर भारत की रैंकिंग इस बार जो है वो रही है, 2022 में 40 नंबर पर ही थी, मतलब कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। अगला है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, जिसमें प्रबंधन विकास संस्थान जो है उसके द्वारा IMD के द्वारा जारी किया जाता है। 64 टोटल कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है और भारत की रैंकिंग 56 है, 2022 में 52 रैंकिंग जो है वो भारत की थी। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, जिसमें विश्व आर्थिक मंच जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 120 कंट्री में से 67 नंबर भारत का आया है और स्वीडन जो है इसमें पहले नंबर पर है, 2021 में भारत की रैंकिंग 87 जो है वो थी। अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट।
और 165 टोटल कंट्रीज में से 109 नंबर भारत का आया है, स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पर है। अगला देखते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, इसकी अगर बात करते हैं तो इनसीड बिजनेस स्कूल इसके द्वारा जारी किया जाता है। 134 टोटल कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर और 103 जो है यहाँ पर भारत की रैंकिंग है। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023, जो कि चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और 142 टोटल कंट्रीज में से इंडोनेशिया जो है वो पहले नंबर पर है और 43 नंबर पर भारत का नाम नंबर जो है वो देखने को मिला है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। 163 टोटल जो कंट्रीज हैं उसमें से आइसलैंड इसमें पहले नंबर पे है और 126वां जो है वो 2022 में, 126 नंबर भारत की रैंकिंग है और 2022 में 135 नंबर की रैंकिंग जो है वो थी। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, जो कि अंक टाट जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें अगर 187 की बात करें टोटल कंट्रीज में से, तो अमेरिका पहले नंबर पे है और भारत की रैंकिंग 7वें नंबर पे है, तो काफी अच्छी रैंकिंग है। 187 में सोचिए 7वें नंबर पे भारत है। तो ये आपका हो गया आपका निवेश रिपोर्ट के आधार पर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। अब यहाँ पर ऊपर एक आया था प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, यहाँ पर है प्रतिस्पर्धा, थोड़े थोड़े नाम में अंतर है। ये जारी करता है एमडी प्रबंधन विकास संस्थान और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 64 कंट्रीज में से डेनमार्क पहले नंबर पे है और भारत की रैंकिंग इसमें 40 नंबर पे है। 2022 में भारत की रैंकिंग 37 नंबर पर जो है वो थी। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो 146 कंट्रीज में से आइसलैंड पहले नंबर पे है और भारत की रैंकिंग 127 है, वहीं 2022 में भारत की रैंकिंग 135 जो है वो थी। अगला है सतत विकास रिपोर्ट एसडीजी 2023, इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 166 कंट्रीज में से फिनलैंड यहाँ भी पहले नंबर पे है और 112 रैंकिंग भारत की है वर्तमान में, 2022 में 121 जो है वो थी। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। 104 टोटल कंट्रीज में से सिंगापुर पहले नंबर पे और 57 नंबर पे भारत है, 2022 में 52 नंबर पे भारत था। अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023, इसमें अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको और इसके अंतर्गत 139 कंट्रीज में से सिंगापुर पहले नंबर पे और भारत 38वें नंबर पर है, 2018 में भारत 44वें नंबर पर जो है वो था। अगला है वैश्विक दासता सूचकांक 2023, इसमें मानवाधिकार समूह वॉक फ्री के द्वारा जारी किया जाता है। 160 टोटल कंट्रीज में से उत्तर कोरिया जो है इसमें पहले नंबर पे और 6वें नंबर पर इसमें भारत है। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसके अंतर्गत द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 131 नंबर पर भारत की रैंकिंग आई है, 2022 में भारत की रैंकिंग 131 ही थी और सिंगापुर इसमें पहले नंबर पर है 184 टोटल कंट्रीज में से। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसको जारी करता है स्विस फर्म आईक्यू एयर। 131 कंट्रीज में से 4 यहाँ पर पहले नंबर पे है और भारत इसमें 8वें नंबर पे है, 2022 में 5वें नंबर पर जो है वो था। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जब आतंकवाद सूचकांक की बात होगी तो इसमें अर्थशास्त्र और शांति निकेतन, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जो है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें अगर देखेंगे तो 163 टोटल कंट्रीज में से अफगानिस्तान सबसे पहले नंबर पे है और 13वें नंबर पर भारत है, तो आतंकवाद में अफगानिस्तान पहले नंबर पे है ही, वो आपको पता ही है। अगला मानव विकास सूचकांक 2021-22 यहाँ पर आ गया है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 191 कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, भारत का स्कोर है 132, नहीं भारत की रैंकिंग है 132 और स्कोर है 0.633। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, वी डैम संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें डेनमार्क पहले नंबर पे है और भारत 108वें नंबर पे। वैसे चुनाव वगैरह हुआ है तो चाहे तो याद रख सकते हैं।
2022 में भारत इसमें 100 नंबर पे था। सेकंड लास्ट है आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, जिसको देखेंगे तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। 173 कंट्रीज में से वियना ऑस्ट्रिया पहले नंबर पे है और दिल्ली इसमें 112वें नंबर पर रखा गया है। लास्ट एशिया पावर इंडेक्स 2023 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 26 कंट्रीज में अमेरिका पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे भारत है। तो ये जितनी भी रैंकिंग थी वो हमने बता दी। अब एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट पूछ लीजिएगा और जितने भी रैंकिंग कराई उनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक रैंकिंग पूरे पेपर में आती ही अवश्य है। ये क्वेश्चन आपके लिए कि महतारी वंदना जो योजना है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको एक बार पहले बता चुके हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में योजनाएं हम आपको जो है वो करा देंगे, ताकि एक नंबर आपका वहां से भी कवर हो जाए, क्योंकि योजना पर बेस्ड भी एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा कि कौन सा राज्य यहाँ पर सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।